जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंदन और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंदन केसी ऑफिशियल पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कम समय में टॉपर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन इसके लिए आपको मेरे द्वारा बताए गए इन बातों पर अमल करना होगा, तभी जाके आप जो है ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले। नंबर वन, एग्ज़ाम टाइम में आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर पढ़ाई करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम टाइम में जो है टेंशन लेते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम जाएगा, क्या पढ़े क्या नहीं। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आपको नॉर्मल होकर पढ़ाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का जो है कोशिश तो कदापि नहीं करें। नंबर टू, आपको पिछले सालों के क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन क्वेश्चन नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अगर ऐसा बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम आपका आ गया है, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, तो ये जो है सारे क्वेश्चन को जो है याद करने में लग जाते हैं, जिससे कि उनका बहुत सारा टाइम भी खपत होता है और अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको पिछले सालों के क्वेश्चन को देखना है और देखना है कि कौन क्वेश्चन जो है अधिक बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आपको जो है अच्छी तरीके से याद करना है। नंबर थ्री, अपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का जो यहाँ पे याद करने का कोशिश करते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। आपने साल भर में जितना भी पढ़ा है उन सभी चीज़ों का आपको रिवीजन करना है, इस तरीके से जो आपको ये पहल करनी है। नंबर फोर, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हल करने का कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को बार बार जो है पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और देखना है कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट करके उसको याद करना है, लिख लेना अगर नहीं हो रहा है तो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नंबर फाइव, एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको जो है साफ सुथरा लिखने का कोशिश करना है कि कोई भी अगर एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो एक झलक में जो है वो आपके सारे बातों को समझ जाए। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो कॉपी को जो है दो तीन क्वेश्चन को चेक करने के बाद ही समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट जो है किस टाइप का है। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं लिखा होगा तो आपका क्वेश्चन अगर सही भी रहता है आंसर, तो उसमें नंबर जो है एवरेज मिलते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपको आंसर जो है बिल्कुल साफ सुथरा लिखे, और जो आंसर आपको लगे कि यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको हाईलाइट भी करना है। तो ये भी जो एक बहुत बड़ी बात होती है एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। पर यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको कॉपी भरने का विचार कदापि भी अपने मन में नहीं रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनाने के लिए कहे गए हैं तो आप 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो एग्जामिनर जो वहाँ पे नंबर देने का जो है कोई भी वहाँ पे आपको रास्ता नहीं देखता है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ध्यान रखना है कि आपके मन में कॉपी भरने का विचार कदापि नहीं आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एवरेज मार्किंग दिया जाता है। आई होप अगर आप इन बिंदुओं को अगर अपने फ्लो करते हैं तो आप 100% टॉपर की लिस्ट में आएंगे। अगर आपने साल भर अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी, रिवीजन किया होगा, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा, मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो आप 100% टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। अगर इसमें से किसी दो तीन बिंदुओं का भी अगर आप यहाँ पे पालन करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप अपने स्कूल के बच्चों से बहुत आगे निकल सकते हैं।